हेलो दोस्तों, स्टॉक एक्सपर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए ऐसे शेयर जो शॉर्ट टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो ज़्यादा बात न करते हुए आपको सीधे स्टॉक्स पर ले चलते हैं। हमारा पहला स्टॉक है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। वन डे के चार्ट में इस स्टॉक ने 0.63% का रिटर्न दिया है, वन वीक के चार्ट में 1.73% का रिटर्न दिया है, वन मंथ के चार्ट में 3.98% का रिटर्न दिया है, वन ईयर के चार्ट में 63.23% का रिटर्न दिया है, फाइव ईयर के चार्ट में 15.71% का रिटर्न दिया है और मैक्सिमम चार्ट में 1056% का रिटर्न यह स्टॉक अभी तक दे चुका है। कंपनी की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करें तो कंपनी का करंट प्राइस इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम है, कंपनी FD से बेहतर रिटर्न नहीं देती है, कंपनी का डिविडेंड रिटर्न भी बहुत अच्छा है, कंपनी में एंट्री करने के लिए समय बहुत अच्छा है, कंपनी का स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है और ना ही कंपनी में किसी प्रकार कोई रिस्क दिखाई देता है। कंपनी के प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को प्लेज भी नहीं किया हुआ है। कंपनी के की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो इसका PE रेशियो 11.21 है, जबकि इसका सेक्टर PE 25.02 है। कंपनी का PB रेशियो 0.55 है, जबकि इसका सेक्टर PB 3.19 है। कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है और 100% एनालिस्ट इस स्टॉक को बाय की रेटिंग देते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो कंपनी ने अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। 2021 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 7.82 हजार करोड़ का था, जबकि टोटल प्रॉफिट 0.45 हजार करोड़ का था। कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के टोटल रेवेन्यू 2020 में 7,907 करोड़ का था, जबकि 2021 में 7,817 करोड़ का हो चुका है। कंपनी के एबिटा की बात करें तो साल 2020 में 426 था, जो कि साल 2021 में 755 हो चुका है। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर इनपुट टैक्स की बात करें तो साल 2020 के लिए 255 करोड़ का था, जबकि साल 2021 में 577 करोड़ का हो चुका है। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो साल 2020 में 140 करोड़ का था, जबकि साल 2021 में 534 करोड़ का हो चुका है। कंपनी के नेट इनकम के बारे में बात करें तो साल 2020 में 109 करोड़ की थी, जबकि साल 2021 में 450 करोड़ की हो चुकी है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर की बात करें तो साल 2020 में 2.75 का था, जबकि साल 2021 में 11.3 का हो चुका है। कंपनी के डेप्ट पर शेयर की बात करें तो साल 2020 में 1.20 का था, जो कि साल 2021 में 2.20 का हो चुका है। कंपनी के पेआउट रेशियो की बात करें तो साल 2020 में 0.44 का था, जो कि साल 2021 में 0.19 का रह गया है। कंपनी के करंट एसेट्स की बात करें तो साल 2020 में कंपनी के करंट एसेट्स 4,469 करोड़ के थे, जो कि साल 2021 में 3,458 करोड़ के हो गए। कंपनी के नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो साल 2020 में 5,653 करोड़ के थे, जो कि साल 2021 में 7,663 करोड़ के हो चुके हैं। कंपनी के टोटल एसेट्स की बात करें तो कंपनी के टोटल एसेट्स साल 2020 में 10,122 करोड़ के थे, जो कि साल 2021 में 11,121 करोड़ के हो गए हैं। कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो कंपनी की करंट लायबिलिटीज साल 2020 में 2,364 करोड़ की थी, जो कि साल 2021 में घटकर 987 करोड़ की रह गई है। कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो साल 2020 में 895 करोड़ की थी, जो कि साल 2021 में घटकर 892 करोड़ की बची है। कंपनी की टोटल लायबिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी की टोटल लायबिलिटीज़ साल 2020 में 3,260 करोड़ की थी, जो कि घटकर 2021 में 1,879 करोड़ की बची है। कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो नेट चेंज इन कैश साल 2020 में -6.78 करोड़ का था, जो कि साल 2021 में बढ़कर 200 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है। कंपनी की वर्किंग कैपिटल की बात करें तो साल 2020 में -477 करोड़ की थी, जो कि साल 2021 में बढ़कर 1108 करोड़ की हो चुकी है। कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो साल 2020 में 301 करोड़ का था, जो कि 2021 में 88 करोड़ का हुआ। कंपनी के फ्री कैश फ्लो की बात करें तो साल 2020 में -309 करोड़ का था, जबकि 2021 में बढ़कर 1,698 करोड़ पॉजिटिव में हो चुका है। कंपनी के शेयर होल्डिंग हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी में टोटल प्रमोटर की होल्डिंग 37.84% की है, कंपनी में म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग 0.14% की है, कंपनी में अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की शेयर होल्डिंग 7.69% की है, कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशन की शेयर होल्डिंग 20.95% की है और कंपनी में रिटेलर्स एंड अदर्स की शेयर होल्डिंग 33.37% की है।
एनालिस्ट के रिव्यू की बात करें तो कंपनी में एनालिस्ट को 15 स्ट्रेंथ पॉइंट दिखाई देते हैं जबकि 2 अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं। वीकनेस और थ्रेट्स के नाम पर कंपनी में कुछ भी नहीं है। इससे यह पता लगता है कि यह स्टॉक कितना अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है और इसका फंडामेंटल कितना ज़्यादा मजबूत है। दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।